अस्सलाम वालेकुम, मैं QM रामे यानी कासिम मुमताज रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियां। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एक और कहानी आपके लिए लेके आया हूं। ये कहानी भी सफ़र की कहानी है। पहले आपको घुमाया था बलूचिस्तान, आज मैं जा रहा हूं कराची। तो अभी सुबह के 9 बज गए यानी कि, और 11 बजे की है मेरी फ़्लाइट। तो अभी हम जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ पे खाने भी इंजॉय करेंगे, वहाँ पे चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और मिलते हैं एयरपोर्ट पे। लेट्स गो। नीम आ गई है और अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे मैं पहुंच गया हूं। अभी चल के करवाते हैं बोर्डिंग वगैरह और फिर रखते सफ़र बांधते हैं कराची को वाया PIA। जी फाइनली हम पहुंच गए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्लाइट डिले थी, तो फिर भी 12:45 पे इन्होंने हमें अब पहुँचा दिया और अगर वहाँ पे जो हमें मिली रिफ्रेशमेंट, उसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सैंडविच वाज क्वाइट बेटर। गुड तो नहीं मैं उसे कहूँगा, क्वाइट बेटर, लेकिन जो साथ उन्होंने कुकी दी हुई थी ना PIA वालों ने, इतने ज्यादा कर गया साढ़े नाल। वो जनाब सीमेंट बजरी की बनी हुई वो कुकी थी, सारी मैं नहीं खा सका। तो अभी हम पहुंच गए हैं कराची, अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पे रिसीव करने कोई आया है होटल से या नहीं। यहाँ पे ये हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आ जाए। वेलकम टू दी कराची बॉयज। पहुंच गए एयरपोर्ट के बाहर, हमें पिक करने भी आए हुए हैं। अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आती है यहाँ पे पार्किंग से, तो रखेंगे सामान और जाएंगे अपने होटल में। चेक इन से पहले एक मुलाकात होगी, तो भी मुलाकात करते हैं चेक इन के बाहर। ये आई है जी गाड़ी, हमें पिक कर रहे हैं एंटीक पीस। तो जनाब होटल मेहरान के अंदर में ठहरा हूँ, ये बिल्कुल मेन शहरहेफैसल के ऊपर मौजूद है। अभी मैं पहले आपको सेटल डाउन होने से पहले रूम रिव्यू करवा देता हूँ, ताकि आप भी देख लें कि यहाँ का रूम कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं कबर्ड से। ये जनाब यहाँ पे कबर्ड है कपड़े लटकाने के लिए, और ये भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर आए तो ये बैग रखने के लिए जगह बनाई हुई है, तो चले हम यहाँ पे बैग भी अपना सेट कर देते हैं। और ये छोटी सी LCD है और कोई लाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये ना समझिएगा मेरे साथ कोई रुका हुआ, मैं अकेला ही हूँ। इनके पास रूम वो मौजूद था जिसमें डबल बेड लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर कुछ नज़र आता है तो वो भी देख लेते। जी 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 जी, ये जनाब शाहरहेफैसल का पूरा नज़ारा है, लेकिन बाहर से खैर ये बंद है, ये नहीं खुल रही। मैंने कोशिश की इसे खोलने की। ये है यहाँ का वॉशरूम, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये जनाब ये देखें तो बहुत लग्जूरियस किस्म का वॉशरूम नहीं है, बेसिक सी अमेनिटीज़ हैं। तो यार वो सीन ऐसा है कि सुबह नाश्ता किया था निकलने से पहले, उसके बाद जहाज़ में वो जो छोटा सा सैंडविच मिला था वो खाया था, अभी लग रही थी भूख। तो जब मैंने इनका मेन्यू देखा तो मेन्यू काफ़ी वज़नी था, वज़नी मतलब
रेट्स में बहुत वजनी था, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, तो जो सबसे सस्ती चीज़ें वो मैंने ऑर्डर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। अभी वो खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं, आज कोई ऐसा काम नहीं है, रात को निकलेंगे, कहीं निकलते हैं और वो कोई शेयर करने वाली चीज़ हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खाने लगा हूँ। ये सबसे सस्ता जो है तकरीबन 1200 में ये पूरा खाना मुझे पड़ा है इस टाइम। इसमें ये एक ऑमलेट है, ये और साथ ये दो स्लाइसेस हैं और ये साथ एक मंगवाइया चाय। जस्ट ये आया है जनाब 1200 का खाना। तो जनाब हल्का फुल्का सा रूम में खा लिया था, अभी प्लान ये है कि निकल रहे हैं बाहर। मौसम यहाँ पे बहुत ही आउट क्लास किस्म का है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, हवा चल रही है बेहतरीन किस्म की। अगर आपको झंडे हिल पे नज़र आ रहे होंगे, और अभी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल हम जाएंगे शायद किसी लोकल मार्केट में। और इरादा ये है कि आज साहिल समंदर को हाजिरी दे लें, लेकिन अभी लेट्स सी, अभी तो होटल से निकलें और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ जाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, सिंपल। होटल से निकल के हम एक गए थे जगह विंटेज रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने खाया था पास्ता। पास्ता वाज वेरी गुड, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। उसकी लोकेशन वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आपको बहुत लंबा रोड नज़र आ रहा होगा, ये है तारिक रोड। अगर आप कराची आते हैं और आपको सस्ता अच्छा और टिकाऊ माल चाहिए, कपड़ों में, ज्वेलरी में, जूतों में, तो दिस इज़ द प्लेस। ये काफ़ी लंबा रोड है और आपको काफ़ी यहाँ पे वैरायटी नज़र आ जाएगी। हालात कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान के इस टाइम के, ये कराची की सबसे बड़ी रोड है और मार्केट है, इसके बावजूद यहाँ कोई इतना कोई ख़ास मुझे रश नज़र आ नहीं रहा। हो सकता है कि अभी शायद ऑफिस टाइम ख़त्म हुए हैं इसलिए अभी इतना रश नहीं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर रश नहीं है। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू विज़िट और अच्छी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छी जगह है आपके विज़िट करने के लिए। तो जनाब इस टाइम हम आ गए हैं दो दरिया, टू रिवर्स। इस टाइम ये आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी हवा चल रही है और लहरें भी काफ़ी अच्छी हैं। पिछले दिनों साइक्लोन जो तूफान था उसका खतरा था, तब इसका लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया था समंदर का, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आज प्यारा भी लग रहा है और यहाँ पे इंजॉय भी हो रहा है। जी तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बंस रोड पे। बंस रोड सॉर्ट ऑफ स्ट्रीट फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। आपको पीछे यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो अभी खाना यहाँ पे आज ट्राई करना है, ये वहीद है, हीट कबाब ये पॉइंट है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या मंगवाते हैं और खाने का टेस्ट कैसा है, तो लेट्स गो इनसाइड। हमने मंगवाया है कबाब फ्राई, साथ ये चटकारा बोटी है और ये है ये धागा कबाब और ये साथ इनके स्पेशल चटनी, ये दही वाला है वो नहीं देते, और ये साथ प्याज। तो कहते हैं कि जब भी किसी नए शहर जाओ तो वहाँ का प्याज ज़रूर खा लिया करो, तो अभी हम ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। ये साथ पराठा है या पूरी है पता नहीं क्या है जो भी है, और साथ ये है जी चपाती। अब करेंगे ट्राई, खाना खाने के बाद आपको बताऊँगा कि टेस्ट कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था। जो रेकमेंडेड यहाँ पे चीज़ है ना वो कबाब फ्राई जो थी वो रेकमेंडेड है, जो थी चटखारा बोटी, दैट वाज क्वाइट सिमिलर टू मलाई बोटी जो हमें लाहौर में मिलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी, इसलिए मैं इसे
थोड़े कम मार्क्स दूंगा। बेहतरीन था कबाब फ्राई और धागा कबाब भी अच्छा था। ये टोटल बिल बना है हमारा, तीन लोगों ने हमने खाना खाया, ये यहाँ का टोटल बिल बना है। कराची आए तो डू विजिट दिस प्लेस। अब आप बंस रोड पे हो तो सिर्फ रोटी खा के तो वापस नहीं ना जाना, तो ये रबड़ी है बंस रोड की मशहूर, यहाँ से हम ट्राई करने लगे हैं रबड़ी। लेट्स सी कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंध और कराची में रबड़ी एक अलग ही डिश मानी जाती है, तो अभी ट्राई करते हैं रबड़ी। लाहौर और पंजाब में रबड़ी दूध तो मिल जाता है, लेकिन रबड़ी मीठी डिश के तौर पर बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर आप कराची या सिंध का सफर करते हैं तो रबड़ी को जरूर ट्राई करें, मस्ट रेकमेंडेड मीठी डिश है ये। खाना खा के वापस रूम में आ गया हूँ जी। खाना बहुत कमाल था, वो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। अभी मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कराची की सीरीज़ को भी एपिसोड्स में ही करने का इरादा रख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर सारी सीरीज़ देखेंगे, सारी एपिसोड्स देखेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है ये जो सामने आपके आ रहा है, इस पर ज़रूर अमल कर लें। इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीते रहो, हंसते रहो, ते सदा वास्ते रहो।